अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चले बिना वक्त ज़ाया कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने आधा खीरा लिया है, अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। ये हमने खीरा कद्दूकस कर लिया है, अब हम इस खीरे को छान लेंगे और छानने के बाद खीरे को अलग कर लेंगे और इसका जूस अलग कर लेंगे। अगर आप ये मिक्सचर रोज़ाना अप्लाई नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 बार ज़रूर अप्लाई करें। इससे आपके हाथ भी गोरे होते हैं और साथ ही साथ झुर्रियाँ भी ख़त्म होती हैं। ये हमारा मिक्सचर रेडी है, अब हम इसे इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून जैतून का तेल ऐड करेंगे और इसे एब्जॉर्ब होने तक हम मिक्स करेंगे। मिक्सचर रेडी है, हम इसे 15 से 20 मिनट तक लगे रहने देंगे। ये हम हाथ पे अप्लाई कर रहे हैं।